सो हेलो एवरीवन। सो आज हम पार्ट फोर अपना जीमेल का पढ़ेंगे, जिसमें हम सिग्नेचर ऐड करना सीखेंगे। सो हम सीखेंगे क्या सिग्नेचर क्या होता है और उसको हम जीमेल में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो एडिंग ए सिग्नेचर। सो सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है? सिग्नेचर एक ऑप्शनल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट दैट अपीयर आफ्टर ईच ईमेल यू सेंड। तो कभी भी आप अपना आपने देखा होगा, कभी भी आप अपना ईमेल कंपोज करते हो तो लास्ट में आप एक सेक्शन ऐड करते हो जहां पे अपनी डिटेल ऐड करते हो। रिगार्ड्स, जैसे मेरा नाम भारत है तो मैं ऐड करता हूँ रिगार्ड्स भारत सिंह फ्रॉम लोटस पेटल फाउंडेशन, और अपना नंबर और अपने लोगो, जो मुझे अब कुछ लोगो देना है, कुछ और डिटेल्स देनी है, तो मैं उस तरीके का एक सिग्नेचर ऐड कर देता हूँ। तो उसे हम कहते हैं एक सिग्नेचर ब्लॉक। तो ये एक ऑप्शनल ब्लॉक होता है, इसको आप बार बार, जैसे आप कभी नए कंपोज करेंगे ईमेल तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, तीसरा अपना ईमेल टाइप करेंगे तो आपको दोबारा तीसरी बार लिखना पड़ेगा, तो हर बार आपको नया लिखना पड़ता है। तो जीमेल हमें एक ऑप्शन देता है कि हम अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, और बाय जैसे हम जीमेल को इंक्लूड कर एक नया ईमेल कंपोज करेंगे, वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली हमारे नीचे मेनू में शो हो जाएगा। मेनू में मतलब हमारी जो कंपोज बॉडी होती है मेल की, उसमें सबसे नीचे लास्ट में जहां पे हम रिगार्ड्स लिखते हैं वहीं पे हमें शो हो जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए, सेटिंग को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गियर आइकन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज देन सेलेक्ट सेटिंग। तो एक ही सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसे हम कहते हैं गियर आइकन। आप क्लिक करोगे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे सिग्नेचर सेक्शन में और टाइप योर डिस्क्राइब सिग्नेचर। यहाँ पे क्रिएट न्यू का आपको बटन दिखेगा, क्रिएट न्यू पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर का नाम क्या, आपको सिग्नेचर का नाम क्या रखना है, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको नया ऑप्शन मिलता है फॉर न्यू ईमेल यूज। कभी आप नया ईमेल कंपोज कर रहे होगे तो आपको एक सिग्नेचर चाहिए, तो आप उसको यूज कर लोगे। जो भी आप सिग्नेचर यहाँ बनाओगे वहां नीचे ड्रॉप डाउन में आपको शो होता रहेगा। ऑन रिप्लाई फॉरवर्ड यूज, रिप्लाई ऑफ फॉरवर्ड यूज में आप सेम यूज करना चाहते हैं तो आप सेम सिलेक्ट कर लें। डिफरेंट यूज करना चाहते हैं कि आपको न्यू मेल में तो कुछ और सिग्नेचर चाहिए और रिप्लाई ऑफ फॉरवर्ड में कुछ और सिग्नेचर चाहिए, तो वो भी सेटिंग यहाँ पे है। ओके, एंड स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिक सेव चेंजेस। तो जब हम इसको फिल कर लेंगे तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे सेव का बटन आता है, हमें उसे क्लिक करना है तो हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी। और उसमें नोट क्या करना है, यू शुड कीप योर सिग्नेचर ब्रीफ। जो भी आप सिग्नेचर बनाए उसको बहुत ब्रीफ बनाए, उसमें जितनी आपको डिटेल्स देनी है मिनिमम डिटेल्स दें, और जो आपकी करंट, ऐसे आपके पास तीन चार फोन नंबर हैं तो ऐसा नहीं कि आप तीन चार फोन नंबर उसमें डाल देंगे, सिर्फ मेन फोन नंबर आप अपना डालेंगे। आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको अपनी मेन ईमेल आईडी देनी है, आपके पास कुछ कंपनी का लोगो है तो आप एक छोटा सा लोगो उसमें डाल देंगे। तो क्या करना है, आपको सिग्नेचर को ब्रीफ रखना है कि फोर फाइव लाइन्स में, जैसे मैंने ये बनाया फोर लाइन्स के में मेरा सिग्नेचर आ गया, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फोर और फाइव लाइन्स ही यूज करें। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको, सो अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम सिग्नेचर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि एक गियर बटन होता है सेटिंग का, इसके ऊपर हम ओवर करेंगे तो सेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा, और यहां से हम चूज कर सकते हैं अपने सेक्शन को। तो हम यानी क्लिक किया सी ऑल सेटिंग्स, और ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने पर, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सिग्नेचर सेक्शन ढूंढेंगे, सिग्नेचर कहाँ पे है। सो हमें जिस तरीके से कहा था, तो हम क्रिएट न्यू सिग्नेचर, सो हम टाइप करेंगे भारत साइन। ओके, क्रिएट, और मैं यहीं से डिटेल कॉपी कर लेता हूँ कुछ, और मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने ये सिग्नेचर अपना रख लिया है, ठीक है, और मैं इसके आउटसाइड पे क्लिक करूंगा कहीं पे भी, और मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा भारत सिग्नेचर जो मैंने अभी क्रिएट किया है, कंपोज रिप्लाई साइन ऑप्शन एंड सेव चेंजेस, सो डन। ओके, सो अब आप देखोगे कि मैं अगर कंपोज करूंगा मैसेज को तो ये सिग्नेचर ऑलरेडी ऐड आएगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी मैंने सिग्नेचर ऐड किया था, हम एक बार और देखते हैं। हम सेटिंग ऑप्शन पे गए, सी ऑल सेटिंग, हम फिर सिग्नेचर सेक्शन पे गए। अब हम क्या करेंगे, लोटस पेटल जो मेरा
प्रीवियस सिग्नेचर था, एक सिग्नेचर ये है, एक सिग्नेचर है, तो मेरे पास चॉइस रहती है, मैं कितने भी सिग्नेचर यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ और मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, लोटस पेटल एंड दिस इज ओके। अब आप देखोगे कि ये चेंजेस सेव हो जाएंगे और मेरा सिग्नेचर कुछ इस तरीके से आएगा कि भारत सिंह लोटस पेटल, सो दिस इज अ सिग्नेचर, रिकार्ड्स भारत सिंह लोटस पेटल एंड डन। सो आप कभी भी मैसेज कंपोज करना चाहेंगे यहाँ पे अपना मैसेज आप राइट कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं हेलो, किसी को भेजना चाहेंगे तो ये सिग्नेचर आपका एड ऑन हो जाएगा, ये ऑप्शनल रहता है। सो आप रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए ताकि एक मेल एटिकेट्स होते हैं लिखने के लिए, तो उसमें आपको सिग्नेचर इंक्लूड करना होना चाहिए कि आपने किसको भेजा, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना वैसे ही सिग्नेचर भी बहुत एटिकेट्स ईमेल एटिकेट्स होते हैं जिसके हमें सिग्नेचर को यूज करना चाहिए, वरना ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मेल आपका जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, बट ये रिकमेंड किया जाता है। सो होपफुली आपने सिग्नेचर ऐड करना आप सीख जाओगे। आप थैंक यू।